गरीब बाप की तीन बेटियों की जादुई लंबी चोटी। अरे भाई घबरा क्यों रहा है? परेशानी का समाधान तो सिर्फ एक ही इंसान के पास मिलता है, वो है डॉक्टर। अब डॉक्टर के पास जाएगा तो तुझे तेरी परेशानी का समाधान मिल जाएगा। लेकिन मेरी बात तो सुनो। अरे भाई लेकिन वेकिन छोड़ और तू चुपचाप मेरे साथ चल, आज मैं तेरी परेशानी का समाधान निकलवा कर ही रहूंगा। निदेश अपने दोस्त अमरेंद्र को हॉस्पिटल में ले जाता है, जिसके बाद अमरेंद्र डॉक्टर को अपनी परेशानी के बारे में बताता है। डॉक्टर साहब, दरअसल बात यह है कि मेरी तीन बेटियां हैं और तीनों पैदाइशी गंजी हैं। जब से उन्होंने जन्म लिया है उनके सिर पर एक बाल नहीं उगा है। मैं बहुत परेशान हूँ डॉक्टर साहब, मेरी बेटियों के गंजेपन की वजह से कोई उनसे शादी नहीं कर रहा। क्या आपके पास मेरी बेटियों का इलाज है? देखिए इलाज तो आपको हमारे पास मिल जाएगा, सारी बात यह है कि इलाज करवाने के लिए आपके पास इतना पैसा होगा? डॉक्टर साहब, आपको जितना पैसा चाहिए मैं आपको लाकर दूंगा, लेकिन आप मेरी बेटियों को ठीक कर दीजिए। देखिए आपकी एक बेटी के ट्रीटमेंट में पूरे 3 लाख रुपए लगेंगे और तीन बेटियों को मिलाकर 9 लाख रुपए हो जाएंगे। क्या आप इतना पैसा देने के लिए तैयार हो? डॉक्टर साहब, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ हमारे पास 1,000 रुपए भी पूरे नहीं है और आप पूरे 9 लाख रुपए की बात कर रहे हो। हमारे पास इतना पैसा नहीं है डॉक्टर साहब, मैं एक गरीब हूँ और दर्जी का काम करता हूँ, इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा? जब तुम्हारे पास पैसे हैं ही नहीं तो मेरे पास मुंह उठाकर क्यों चले आए? चले जाओ यहाँ से। अमरेंद्र और रितेश दोनों वहां से निकल जाते हैं। नितेश भैया, मैं दिन रात कपड़े सी लूंगा और पैसे कमा लूंगा और अपनी बेटियों का इलाज जरूर करवा लूंगा। हाँ भैया तुम सही कहते हो, हमारे पास भी कुछ पैसे आएंगे तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। उस दिन के बाद से अमरेंद्र दिन रात कपड़े सिलता रहता है, लेकिन दिन रात मेहनत के बाद भी पूरे महीने के केवल वो 5,000 रुपए ही कमा पाता है। एक दिन उनकी तीनों बेटियों को देखने के लिए कुछ लोग उसके घर पर आते हैं। भाई साहब, सब बात ठीक है, लेकिन अब आप अपनी बेटियों को कब बुलाओगे? मालती के ये कहते ही अमरेंद्र की तीनों बेटियां मालती के सामने आती हैं, जिन्हें देखते ही मालती उठ खड़ी होती है। अरे भाई साहब, ये कैसा मजाक है? अगर ये मजाक है तो हमें पहले ही बता दीजिए। मालती बहन, आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला मैं आपसे मजाक क्यों करूंगा, यही तीनों मेरी बेटियां हैं। ये तीनों गंजी लड़कियां तुम्हारी बेटी हैं? अरे ऐसी बेटियों के बाप होने से अच्छा तो तुम डूब कर मर जाओ, ऐसी लड़कियों की शादी कभी जिंदगी में नहीं होती। ऐसा कहकर मालती वहां से चली जाती है, जिसके बाद अमरेंद्र की तीनों बेटियां रोने लगती हैं। उन्हें रोता हुआ देख अमरेंद्र बहुत परेशान हो जाता है और रोते रोते घर से निकल जाता है। देखते ही देखते अमरेंद्र जंगल में एक नदी के पास पहुंच जाता है। सही कहा मालती बहन ने, ऐसी बेटियों के बाप होने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। इतना कहते ही अमरेंद्र नदी में छलांग लगा देता है। कुछ देर तक पानी के बुलबुले उठते हैं, जिसके बाद बुलबुले बंद हो जाते हैं। लेकिन तभी अमरेंद्र को डूबता हुआ देख पानी के अंदर से एक देवी माँ उसे अपनी गोद में उठाकर बाहर ले आती है। इतने समझदार होकर तीन बेटियों के बाप होने के बाद भी तुमने इतना बड़ा फैसला क्यों उठाया? तो क्या करूं देवी माँ, मेरी तीनों बेटियों की शादी नहीं हो रही है, वो तीनों गंजी हैं, उनका ये दर्द मुझसे देखा नहीं जाता। देवी अमरेंद्र की ये बात सुनते ही अपने हाथ अमरेंद्र के सिर पर रखती है और कहती है, चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो गया है। तुम्हारी तीनों बेटियों के सर पर बहुत घने लंबी चोटी है और वह कोई मामूली चोटी नहीं बल्कि जादुई चोटी है। लेकिन उनके बाल जादुई है, इसका पता उन्हें कैसे लगेगा? तुम्हें अपनी बेटियों से बस इतना कहना है कि वह अपने दोनों हाथों से अपनी चोटी को पकड़ें और कहें, ए मेरे जादुई बाल, दिखा दे अपना कमाल। उसके बाद जादुई बाल अपना जादू दिखा देंगे। इतना कहकर देवी माँ वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद अमरेंद्र वापस अपने घर लौटता है, जहाँ उसकी तीनों बेटियों के सर पर घने काले लंबे बाल होते हैं। पिताजी देखिए, हमारे सर पर कितने काले और लंबे बाल हैं। ये तो किसी जादू से कम नहीं, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि मेरे सर पर इतने काले घने लंबे बाल हैं। देखो पिताजी, इन बालों की मदद से हम तीनों बहनें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। हाँ मेरी बेटियों, ये कोई मामूली बाल नहीं बल्कि जादुई बाल हैं। अमरेंद्र देवी माँ की सारी बातें अपनी तीनों बेटियों को बताता है, जिसके बाद उसकी तीनों बेटियां अपनी अपनी चोटी को दोनों हाथों से पकड़ कर कहती हैं,
ए हमारे जादुई बाल दिखा दे अपना कमाल, ए मेरे जादुई बाल दिखा दे अपना कमाल, ए मेरे जादुई बाल दिखा दे अपना कमाल। तीनों के एक साथ ये कहने पर आयशा के काले बाल सोने में बदल जाते हैं और उसके बालों से सोने के गहने निकलने लगते हैं। वहीं मनोरमा के बाल काले ही रहते हैं लेकिन उसके बालों से खाने के कई प्रकार के पकवान निकलने लगते हैं। इसी तरह पुष्पा के बाल चांदी में बदल जाते हैं और उसके बालों से चांदी के बर्तन निकलने लगते हैं। पिताजी जरा देखिए तो सही, कितने सारे सोने के गहने हैं। इतना सारा स्वादिष्ट और लजीज खाना मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा। पिताजी देखिए ना, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। यकीन नहीं होता, मेरे बालों से चांदी के बर्तन निकले हैं और कितने सुंदर हैं। जादू होने के बाद उन तीनों के बाल नॉर्मल ब्लैक बन जाते हैं। ये सब देखकर अमरेंद्र बहुत खुश होता है। अरे भगवान का लाख लाख शुक्र है कि मेरी तीनों बेटियों को उनके बाल मिल गए, वरना मैं जिंदगी भर भी जितनी भी कोशिश करता अपनी बेटियों की शादी नहीं करवा पाता। खुशी के मारे अमरेंद्र की आंखों से आंसू निकल आते हैं, जिसके बाद अमरेंद्र अपनी तीनों बेटियों को गले से लगा लेता है। वो सभी उस रात बहुत खुश होते हैं और पेट भरकर खाना खाकर सो जाते हैं। अगले दिन अमरेंद्र खुशी खुशी अपने गांव के पंडित के पास जाता है और कहता है, अरे देखो पंडित, अब मेरी तीनों बेटियों के सिर पर बहुत खूबसूरत काले लंबे बाल हैं और वो बहुत सुंदर भी लग रही हैं। मेरी तीनों बेटियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता बताओ। अरे जजमान, अगर ऐसी बात है तो आप बिल्कुल सही समय पर आए हो। अभी ही मुझे एक ही घर से लड़कों की शादी करवाने का अवसर मिला है, क्यों ना मैं तुम्हारी तीनों बेटियों की शादी उन्हीं तीनों लड़कों से करवा दूं। ऐसा कहकर पंडित अमरेंद्र को फोटो दिखाता है। अरे पंडित जी, मेरी तरफ से रिश्ता पक्का समझो, वैसे भी ये लड़के पढ़े लिखे समझदार लग रहे हैं। अब जितनी जल्दी हो सके मेरी बेटियों की शादी करवाओ, मैं अपनी बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से करूंगा। कुछ ही दिनों में अमरेंद्र अपनी तीनों बेटियों का रिश्ता तय कर देता है। अरे मेरी बेटियों, तुम्हारी शादी करवाने से पहले मुझे तुम्हारे जादू की जरूरत होगी। पिताजी आप चिंता मत कीजिए और सब कुछ हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। आयशा के इतना कहने के बाद वो तीनों एक साथ कहती हैं, ए हमारे जादुई बाल दिखा दे अपना कमाल, ए हमारे जादुई बाल दिखा दे अपना कमाल, ए हमारे जादुई बाल दिखा दे अपना कमाल। तीनों के इतना कहते ही आयशा के बाल सोने से सुनहरे बन जाते हैं, जिसके बाद उसके बालों से सोने के गहने निकलने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मनोरमा के बाल काले रहते हैं और उसके बालों से खाना निकलना शुरू हो जाता है। इसके साथ साथ पुष्पा के बाल चांदी में बदल जाते हैं और उसके बालों से चांदी के बर्तन निकलने लगते हैं। भगवान तुम्हारी जैसी बेटी हर घर में दे। अमरेंद्र सारा सोना चांदी इकट्ठा करके अपनी तीनों बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से करता है, जिसके बाद वो अपनी तीनों बेटियों को खुशी खुशी विदा कर देता है। अपनी तीनों बेटियों की शादी के बाद अमरेंद्र दर्जी का काम करके अपनी आगे की जिंदगी गुजारने लगता है। देवरानी जिठानी के भुक्कड़ ससुराल वाले। जहाँ पूरा शोभेपुर गांव नींद के गहरे समंदर में गोते लगा रहा था, वहीं पाठक जी का खाऊ लाल परिवार सवेरे के 5 बजे खाने की मेज पर बैठे हुए था। वहीं किचन में काम कर रही जेसिका और दिव्या कुड़कुड़ा रही थी। पता नहीं कैसे भुक्कड़ ससुराल वालों से पाला पड़ गया है, दिन भर एक पांव पर नाचते हुए रात ढल जाती है। 12 बजे सो और 5 बजे उठो। कभी कभी तो ऐसा लगता है इन भुक्कड़ ससुराल वालों का भूख मिटाते मिटाते कहीं हम दोनों देवरानी जेठानी ही ना मर मिटे। अरे जेठानी जी, इन पेटू परिवार वालों का बस चले तो ये हमारी रात की नींद पर भी पाबंदी लगा दे। दोनों देवरानी जेठानी एक दूसरे से अपना दुखड़ा बांट ही रही थी, तभी सास शोभा बोलती है, अरे बहू और कितनी देर लगाएगी, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आ गया सास का बुलावा। दोनों बहू चाय लेकर बाहर आती हैं, तभी ससुराल के सभी सदस्य फीका मुंह बनाकर बोलते हैं, ये क्या है? चाय है और क्या है। अरे मगर सूखी चाय की चुस्कियों का लुत्फ बगैर पकौड़े पराठे के फीका है, कोई बिस्किट ही ला दो। बिल्कुल भी नहीं ससुर जी, सुबह सुबह भारी भरकम खाना सेहत के लिए भली बात नहीं। वैसे भी आप सब पहले से ही बीमारियों से रिश्तेदारी किए बैठे हैं। आपको शुगर है तो माँ जी को थायराइड, दादी माँ को बदहजमी की शिकायत बनी रहती है और हमारी निकम्मी ननद की तो बात ही निराली है, ओवरलोड खाकर तेंदुए की जैसी हो गई है। मगर मजाल है, डाइट पर कंट्रोल करें। ये सुनकर दादी भार्गवी नाक चढ़ाकर कहती हैं, अरे आप क्या, तुम देवरानी जेठानी के लिए मेरी पोती का पेट पहाड़ हो गया है। खबरदार जो उसके खाने पर नजर गड़ाई, तो जाके नाश्ते की तैयारी करो। खाने में पुदीने की चटनी और आलू के पराठे बनाना है तुमको। और हाँ,
8 बजे इस मेज पर गर्मा गर्म खाना हाजिर होना चाहिए। एक गुणवान बहू का धर्म ही ये होता है कि वह परिवार वालों की थाली में मीठे पकवान परोसे। चलो फुटो अब। दादी सास की फटकार को दिल से लगाए बैठी दोनों देवरानी जेठानी किचन में आकर दोबारा से खाना बनाती है। जैसे ही घड़ी के घंटे की सुई 8 पर घूमती है, भूखे ससुराल वाले मेज पर कांटे चम्मच बजाने लगते हैं। जल्दी करो भाभी, भूख के मारे पेट में चूहों की फौज उधम मचा रही है। ननद को खाने के लिए खलबली मचाता देख देवरानी दांत पीसते हुए कहती है, मेरा बस चले तो चूहे मारने की दवाई से इस भुक्कड़ निकम्मी ननद का मामला साफ कर दूं। अरे मेरी देवरानी, गुस्सा करके अपना दिन खराब क्यों कर रही हो? ऐसा करने से हमारे भुक्कड़ ससुराल वाले सुधरने से रहे। दोनों देवरानी जेठानी झटपट से बड़े मेहनत के बाद बनाया हुआ खाना ससुराल वालों को परोसती हैं, जिसके साथ सभी खाने पर टूट पड़ते हैं और देखते ही देखते पराठों का बड़ा थाक सफाचट हो जाता है। तभी उनके पति बोलते हैं, जेसिका जरा एक आलू का पराठा और देना। पराठे खत्म हो गए हैं, अब यही आखिरी टुकड़ा खाओ और थाली बढ़ाओ, वैसे भी 4 पराठे खा चुके हो। अरे बड़ी बहू, ये कैसी बेढंगी बातें कर रही है तू? पराठे ही तो खत्म हुए, घर के खत्ते तो खाली नहीं पड़े। जाकर किसने कहा था नाप तोल कर खाना बनाने को? वाह सासुमा, आप सही हैं, चित्त भी आपकी और पट भी। अरे 2 किलो आटे का पराठा पका चुके, फिर भी आप लोगों के पहाड़ जैसे पेट में वो भी कम पड़ गए। अरे हम रजनीकांत का बनाया रोबोट नहीं जो सारा दिन रसोई में चूल्हा झूठती रहे। दिव्या, जेसिका, तुम इस घर की बहू हो और एक गृहिणी की जिम्मेदारी ही खाना पकाना है। इस तरह थकी हारी देवरानी जेठानी फिर से खाना बनाती हैं। दिन बीतते जाते हैं मगर भुक्खड़ ससुराल वालों की फरमाइश जो की त्यों बनी रहती है। बहू, अरे बहू, अरे ओ देवरानी जेठानी की जोड़ी, कहाँ हो भाई? जी ससुर जी, बुलाया? आज सर्दी कुछ ज्यादा ही है, जरा मेरे लिए अदरक इलायची कूट कर कड़क सी चाय बना दो। ससुर जी, अभी कुछ देर पहले ही तो आपने चाय पी थी। अरे मर जानियो, उस कुछ देर को घंटा भर हो गया। सर्दियों में इंसान को शर्षण भूख लगती है, एक जाओ जाकर चाय बनाओ और एक जना गर्मा गर्म समोसे तलो। ससुर के साथ दादी सास की फरमाइश सुनकर जेठानी फुसफुसाती है, गई भैंस पानी में, हो गई 2 घंटों की छुट्टी। अरे क्या बड़बड़ा रही है बड़ी बहू? कुछ नहीं दादी माँ, मैं तो बस ये पूछ रही थी कि चटनी कौन सी बनाऊं, हरी की लाल? अरे मेरे लिए तो हरी चटनी बनाना। और मेरे लिए लाल वाली, खट्टी मीठी लाल वाली चटनी भाभी। बेचारी दिन भर की थकी हारी देवरानी जेठानी की जोड़ी भुक्कड़ ससुराल वालों की फरमाइश पूरी करने में भिड़ जाती है। 2 घंटे बाद, ये लीजिए गर्मा गर्म समोसे। दादी माँ, आप सिर्फ एक समोसा खाएंगी क्योंकि ज्यादा तला भुना खाने से आपको बदहजमी होती है। बदहजमी गई भाड़ में, भार्गवी अपने भूख के साथ कोई सौदा नहीं करेगी, वैसे भी एक ना एक दिन तो खाकर मरना ही है, क्यों सत्तू? हाँ अम्मा, तब तो मैं भी शुगर को साइड में रखकर मस्त होकर लाल वाली मीठी चटनी में समोसे लपेट कर खाऊंगा। सोच कर ही मुँह में पानी भर आया। मैं तो 4 समोसे खाऊंगी। हाँ, इस तरह सास ससुर दादी और ननद बिना रुके खाए जा रहे थे। तभी देवरानी तीखे ताने देते हुए कहती है, अरे अब थम भी जाओ, पेट नहीं भर रहा तो क्या मुंह भी नहीं दुख रहा आप सबका? देवरानी ऐसा बोल ही रही थी तभी उनके पति दरवाजे से दस्तक देते हैं और समोसे की छीना छीनी करने लगते हैं। अरे छोड़ दे छोटे, ये समोसा तो मेरे ही पेट की भूख मिटाएगा। जिद मत करो बड़े भैया, इस समोसे को अपने भूखे भाई के पेट में जाने दो। दोनों भुक्कड़ भाइयों को समोसे के पीछे कुत्ते बिल्लियों की तरह झगड़ा करते देख कर जेठानी बोलती है, अरे क्यों एक समोसे के पीछे दोनों भाई पागल दिवालिया बने बैठे हो? रसोई में और समोसे रखे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे ससुराल वालों की भूख बारातियों जितनी बड़ी तादाद में है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं जिसके बाद भुक्कड़ ससुराल वालों के भूख में इजाफा बढ़ने लगता है। बेचारी देवरानी जेठानी भोर के जागे जागे दिन भर अपने भुक्कड़ ससुराल वालों की खाने की अलग अलग फरमाइश पूरा करने में एक पांव पर नाचती रहती और एक दिन उकता कर बोलती हैं, बस बहुत हुआ, पता नहीं हमारे भुक्कड़ ससुराल वाले किस मिट्टी के बने हैं, जितने भी तानो भरे भीगे जूते क्यों ना मार लो, इन्हें रत्ती भर भी शर्म नहीं आती। तुम्हारे दिमाग में कौन सी खुराफाती खिचड़ी पक रही है देवरानी जी? जेठानी जी, जब सीधी उंगली से ही ना निकले घी तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, बस अपनी देवरानी के दाव में साथ दीजिए।
इस तरह रात ढल जाती है और अगले भोर जब ससुराल वाले पलके बिछाए खाने के इंतजार में बैठे रहते हैं, तभी दोनों उनके आगे सलाद से भरी थाली रखते हैं, जिसे देखकर ससुराल वाले नाक से कोड़ते हुए बोलते हैं, सलाद? आज से आप सभी सलाद का स्वाद चखेंगे। मगर क्यों? क्योंकि हम नहीं चाहती कि आप अपने जुबान के चटकारे के चक्कर में मर मिटें। तुम दोनों देवरानी जेठानी हैं, जलेबी की तरह टेढ़ी मेढ़ी बातें घुमाना बंद करो और साफ शब्दों में समझाओ माजरा क्या है। साफ शब्दों में ये है माँ जी कि आप सभी के दिन भर के खाने की फरमाइश के चलते आपकी तबीयत ढीली पड़ जाती है। क्यों दादी माँ, जीप का चटकारा लगाकर बदहजमी के कारण बाथरूम के चक्कर काटना पसंद है आपको? और माँ जी, आपको भी आए दिन चावल का चस्का भारी पड़ता है जब रात को शरीर में सूजन बढ़ती है। और ससुर जी, अगर आप दिन भर में ऐसे ही 10 दफा चाय की चुस्की लेते रहे तो बिस्तर धरने से आपको कोई नहीं बचा सकेगा। और चारू तुम अगर ऐसे ही भुक्कड़ बनकर चरती रहोगी तो एक दिन फट जाओगी, निपट जाओगी। आपको आईना दिखाना मेरा फर्ज था, अब चुनना आपको है कि आपको अपनी जीभ के जायके के साथ दवाई का बोझ बढ़ाना है या हमारे बनाए अनुसार खाना खाना है। सभी ससुराल वाले देवरानी जिठानी की बातों को गहराई से आंकने के बाद एक ही सुरताल में बोलते हैं, हमें तुम्हारे हाथों बना संतुलित खाना चाहिए। हाँ बहू, तुम दोनों बिल्कुल सही बोल रही हो। बेहिसाब खाने की बुरी लत में हम भुक्कड़ बन गए थे, मगर अब हम टाइम टेबल से खाएंगे। इस तरह चंट देवरानी जेठानी की चाल भुक्कड़ ससुराल वालों पर भारी पड़ जाती है और अब दोनों देवरानी जेठानी को दिन भर अपने ससुराल वालों की जी हुजूरी से निजात मिल जाती है। बहू का ससुराल बना मायका। हॉल में बैठी मंदा गुस्से में कुड़कुड़ा रही थी, शुभी आ रही हो शुभी? अरे उठ जा, आराम जाने क्या होगा इस पुहड़ का। सुबह का सूरज सर पर चढ़ाया है, मगर मजाल है जो ये लड़की कभी जल्दी जाग जाए। माँ की कुड़कुड़ाहट कानों में पड़ते ही शुभी हड़बड़ाहट के साथ जाग कर हॉल में आती है। गुड मॉर्निंग माँ। अरे गुड मॉर्निंग को डाल गुड़ की डलियों में। कितनी बार कहा है कि सवेरे उठाकर, अरे सोते समय कान क्या कोल्हापुर कुरियर कर देती है जो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज सुनाई नहीं पड़ती। बेटी जात का इतनी देर सवेरे से जागना शोभा नहीं देता। अगर ऐसे ही लेट लतीफ रहेगी तो ससुराल में मायके के नाम की धज्जियां उड़ जाएंगी। मगर माँ। अब मगर अगर का नाप जोक ना कर और जाकर मेरे लिए अदरक इलायची कूट कर कड़क सी चाय बना। माँ की फटकार सुनकर शुभी की आंखें नम हो जाती हैं, जिसके बाद किचन की ओर कदम बढ़ा लेती है कुछ देर बाद। ये लो माँ चाय। इतने के बाद शुभी कमरे में जाकर कॉलेज के लिए तैयार हो जाती है। जैसे ही बेटी दरवाजे से बाहर बढ़ती है, मंदा बोलती है, अरे ओ लाडोरा, कहाँ चल दी सुबह सुबह सायरा बानो की सवारी? माँ मैं कॉलेज जा रही हूँ। नहीं जाना तुझे कॉलेज। अरे मंदा जाने दो उसे कॉलेज, आज परीक्षा है बेचारे की, साल भर से रात काली करके पढ़ाई करती आ रही है हमारी बिटिया। तुम चुप रहो जी, तुम्हारे लाड दुलार के कारण ही खुद को पापा की परी समझ बैठी है ये महारानी। सुन ले शुभी, कलम चलाना छोड़कर करची चमचा चलाना सीख, क्योंकि ससुराल में यही काम आता है। अरे मंदा कोई किसी का भाग्य नहीं जानता, कल को पढ़ लिख कर शुभी अफसर बिटिया बन जाए। अरे नहीं बनाना इसे अफसर बेटियों का, समय से ब्याह करके ससुराल भेज देने में ही भलाई है। कल तुझे देखने रिश्ते वाले आ रहे हैं, तैयार रहना। मगर माँ विपुल भैया तो मुझसे बड़े हैं, फिर मेरी शादी उनसे पहले क्यों? वो तो सारा दिन मटर गश्ती करते हैं, दोस्तों के साथ लेट नाइट पार्टी करते हैं, फिर भी आपको उनसे कोई परेशानी नहीं। सारी बंदिशें मुझ पर क्यों? इसलिए कि मैं बेटी हूँ। बेटी को अपने हक के लिए बोलते देखकर गुस्से में तमतमाई हुई माँ ताव में आकर शुभी को जोरदार तमाचा मारती है। बस शुभी, बेटी है बेटी के जैसे रह, बड़बोली मत बन और बात बात में अपने भाई की बराबरी ना किया कर। तेरी भलाई इसी में है, सीधे मन से ससुराल चली जा। इसी तरह दिन बीतते हैं, जिसके साथ शुभी की शादी एक ज्वाइंट फैमिली में हो जाती है। ससुराल के दहलीज पर खड़ी शुभी के मन में सैकड़ों सवाल उफन रहे थे। पता नहीं मेरे ससुराल वालों का मिजाज कैसा होगा, इतने सारे नए चेहरों के बीच में कैसे घुल मिल पाऊंगी। दीपाली बहू, आगे आकर अपनी देवरानी का स्वागत करो। जी माँ जी। आओ देवरानी जी, ससुराल में तुम्हारा स्वागत है। शुभी बहू, मैं तुम्हारा सभी से परिचय कराती हूँ, ये तुम्हारी जेठानी है दीपाली, ये दिलकुश तुम्हारा देवर, ये निम्मी तुम्हारी ननद, और मैं तुम्हारी सास, और ये तुम्हारी दादी सास। चलिए देवरानी जी, मैं आपका कमरा दिखाती हूँ।
दीपाली शुभी को कमरे में छोड़कर चली जाती है। तभी अनिकेत शुभी का परेशान चेहरा देखकर पूछता है, शुभी तुम ठीक हो ना? जी। फिर तुम्हारे चेहरे पर ये टेंशन क्यों डिमडिमा रही है? समझ सकता हूँ, एक लड़की के लिए ससुराल में घुलने मिलने में टाइम लगता है, मगर मेरे परिवार वाले बहुत मिलनसार और हंसमुख हैं। सभी ऐसा ही कहते हैं, मगर एक लड़की के लिए ससुराल कभी मायका नहीं बन सकता। ससुराल के खौफ से भरी बहू भोर को जागकर काम में जुट जाती है। सफाई तो हो गई, बस अब बर्तन मांजना बाकी बचा है। बहू जल्दी जल्दी बर्तन मांजने लगती है, तभी एक बर्तन उसके हाथों से छूटकर जमीन पर गिर जाता है, जिसकी आवाज से सास और जेठानी कमरे से बाहर आती हैं। बड़ी बहू, तू कमरे में थी तो ये रसोई घर में खटपट कैसी है? पता नहीं माँ जी, चलकर देखते हैं। जैसे ही दोनों रसोई घर में आती हैं तो शुभी डरी सहमी हुई बोलती है, जेठानी जी मैंने जानबूझकर बर्तन नहीं गिराया, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आप दोनों की नींद खराब हो गई। अरे शुभी बहू कोई बात नहीं, बर्तन ही तो था, और अभी 5 बज रहे हैं, इतनी सुबह क्यों उठ गई तू? सास का सीधा सवाल सुनकर बहू का डर दूर हो जाता है। क्या हुआ शुभी बहू, क्या सोचने लगी? देख बहू, अगर तेरी माँ ने तुझे ससुराल में जल्दी जागने की सीख दी है तो उसे दिल और दिमाग से निकाल दे। चलो शुभी, पहली रसोई की रस्म पूरी करने में मैं तुम्हारा हाथ बटाती हूँ। दोनों देवरानी जेठानी नाश्ते की तैयारी में जुट जाती हैं। तभी शुभी झिझकते हुए बोलती है, जेठानी जी हलवे में कितना शक्कर डाल दूं? 4 चम्मच शक्कर डाल दो। शुभी सभी जन कम मीठा खाते, और मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे जेठानी की जगह दीपाली दीदी कहो, इससे मुझे भी खुशी होगी और तुम भी मेरे साथ खुल पाओगी। ये सुनकर शुभी के मन में ससुराल के शासन का सैलाब थम सा जाता है। सभी जन नाश्ते की मेज पर बैठकर बेसब्री से बहू के हाथ बने खाने का इंतजार करते हैं। ला दे बहू, सबसे पहले अपनी दादी सास को अपने हाथों से बने खाने का स्वाद चखा। जी दादी माँ। बहू बारी बारी करके सभी को खाना परोसती है और डर से बांध कर हाथ मलते हुए मन में बोलती है, बस भगवान स्वाद में कोई भी कमी घटी ना हो, दादी सास को खाना पसंद आए। राम ही राखे। क्या हुआ दादी माँ, खाना अच्छा नहीं बना क्या? अरे कौक अच्छा बनाया है खाना, दाल नमक के मारे माहौर है, और सब्जी में जायके की जगह जहर भरा है, पूरी बरनी सी सब्जी में उड़ेल दी है। अरे यही सिखाया है तुझे तेरे मायके वालों ने? दादी सास के तीखे ताने सुनकर बहू की आंखों से आंसू डबडबा जाते हैं और वह बोलती है, माफ कर दीजिए दादी माँ, मैं दूसरा खाना बना लाती हूँ। बहू को ऐसा रोता देखकर दादी सास का दिल पसीज पड़ता है और वह बोलती है, अरे नहीं बहू, मैं तो तेरी टांग खिंचाई कर रही थी, अच्छा खाना बनाया है मेरी बच्ची, और कोई भी पेट में से सीख कर थोड़ी आता है, इंसान गलतियों से ही सीखता है, तेरी दादी माँ 4 दिन में तेरा हाथ नपातुला बना देगी। इतने के बाद दादी सास अपने हाथों में पहने कंगन बहू को पहनाते हुए कहती है, ये ले मेरी बहू, मेरी ओर से तेरी पहली रसोई का उपहार, ये कंगन तेरे। मगर दादी माँ ये तो आपके गहने हैं। मगर ये कंगन तेरी कलाई में फब रहे हैं, बहू बेखौफ होकर रहना सीख, ये तेरा ससुराल है, कोई कैद खाना नहीं जो तुझे अल्पभाषी बनना पड़े या भोर को उठना पड़े। ससुराल वालों के अपार स्नेह और साथ से बहू पूरे तौर से अपने ससुराल वालों के बीच घुल मिल जाती है, और देखते ही देखते बहू का जन्मदिन आता है। सवेरे जब शुभी अपने कमरे से बाहर आती है तो पूरा घर गुब्बारों से सजा हुआ था। तभी दिलकुश और निम्मी बर्थडे सॉन्ग गाते हुए कहते हैं, Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear भाभी, happy birthday to you। तुम दोनों को मेरा जन्मदिन कैसे पता चला? अरे क्यों भाभी, जब आप हमारी पसंद नापसंद को पता कर सकती हैं तो हम आपका जन्मदिन कैसे जाया जाने दे सकते हैं? हाँ भाभी, आपके लिए सुंदर सा गाउन खरीद कर लाई हूँ, आज शाम को आप वही पहनना। शाम को पूरा परिवार मिलकर बहू का जन्मदिन मनाता है। मंदा और प्रताप भी पार्टी में उपस्थित थे। माँ पिताजी आप? देखो सरिता बहू, मैं ना कह रही थी कि बहू अपने माता पिता से मिलकर झूम उठेगी।
शुक्रिया दादी माँ, आप सभी ने मेरे इस दिन को खुशियों से भर दिया। सुना था कि ससुराल शासन का दूसरा नाम है, मगर मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ जो मुझे मायके से बढ़कर स्नेह करने वाला ससुराल मिला है, जहाँ बहू पर बंदिश नहीं लगाई जाती। काश कि हर ससुराल ऐसा हो तो बेटी को मायके की कमी महसूस ना होगी। उस पल शुभि की आंखों में खुशी की चमक इठला रही थी, वहीं मंदा के मन में अपनी बेटी पर लगाई बंदिशों की छवि उतरी हुई थी। मंदा ने जिस बेटी को मायके में खुलकर जीने पर मोहताज कर दिया था, आज उसे ससुराल में मायके से बढ़कर स्नेह सत्कार और साथ मिल रहा था, जिसकी अभिलाषा लिए हर बहू मायके से ससुराल आती है। नई बहू के जादुई कदम। सौम्या एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़की थी, पर कुछ समय पहले ही उसकी माँ रेखा का स्वर्गवास हो गया, जिस कारण सौम्या के पिता बिरजू ने दूसरी शादी कर कविता को अपनी पत्नी बना लिया। बस तभी से सौम्या की सुलझी हुई जिंदगी में जहर घुलने लग गया। उसकी सौतेली माँ कविता उसे बात बात पर सुनाने लगती थी, तो कभी मारती थी। वो साफ सफाई कर रही थी कि गीले पोछे के कारण कविता गिर जाती है और चिल्लाकर कहती है, अरे मोरी मैया, मार डाला मुझे, तोड़ दी मेरी कमर, इतनी बड़ी उठनी हो गई है लेकिन काम करना अभी तक नहीं आया। सौम्या कहाँ मर गई, धरा। तभी जैसे तैसे कविता उठती है कि सौम्या के आते ही उसे एक तेज चांटा मार कर कहती है, नालायक, ऐसे झाड़ू पोछा लगाते हैं, अरे कल को ससुराल जाएगी तो तू मेरी नाक ही नीचे करवा देगी, तेरी वजह से मैं गिर गई। मैं तेरी सौतेली माँ हूँ, इसलिए तुम मुझसे बदला ले रही है ना? नहीं नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं तो आपको अपनी माँ ही मानती हूँ, पर आप मुझे अपनी बेटी नहीं समझते, आपके लिए तो बस प्रिया ही सगी बेटी है। सौम्या की ये बात सुनकर कविता उसका जोर से हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तेरी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी बेटी से अपनी तुलना करने की, कहाँ मेरी बेटी और कहाँ तू गंगू तेली, मेरे सामने ज्यादा जुबान खोलने की जरूरत नहीं है, जा जाकर खाना बना शाम का। जी माँ। रोते रोते सौम्या सब्जी काटती है तो उसका हाथ कट जाता है और वह जोर से चिल्लाती है, माँ माँ मेरे पास वापस आ जाओ, छोटी माँ मुझे बहुत मारती है, बहुत अत्याचार करती है मुझ पर, मैं उनकी बेटी बनने की जितना कोशिश करती हूँ वह उतना ही मुझे सौतेली कह देती है, माँ होती तो मेरी मरहम पट्टी कर देती। अरे ओ महारानी कहीं की, खाना बनाया नहीं ना तूने अभी तक? बस बस मैं बना ही रही हूँ, थोड़ी देर और। एक काम नहीं होता इससे, मेरे सिर पर चढ़कर नाच रही है, तुझे तो ससुराल भेज दूंगी, मेरे कलेजे से तेरा भार तो कम होगा। बड़बड़ाते हुए कविता अपने कमरे में चली जाती है। सौम्या खाना पका कर तैयार कर लेती है, तभी शाम को उसका पिता बिरजू आकर कहता है, अरे सौम्या, प्रिया, कविता, जल्दी आओ, एक खुशखबरी है। क्या बात है पिताजी, आज आप बहुत खुश हैं? अरे बात ही ऐसी है। क्या बात है, जरा मुझे भी बता दीजिए। अरे जो मेरे फैक्ट्री में मेरे दोस्त है ना, सुरेश बाबू, वो अपने बेटे राहुल का एक साधारण सुलझी हुई लड़की से रिश्ता कराना चाहते हैं, तो मैंने उन्हें अपनी सौम्या बेटी के बारे में बता दिया, फिर कल ही वो रिश्ता लेकर घर आ रहे हैं। अरे वाह सौम्या, बधाई हो। चलो अच्छा है, कम से कम ये तो इस घर से निकलेगी, जब देखो रोज इसकी मनहूस शक्ल देखनी पड़ती है। हाँ, और मेरा बोझ भी कम हो जाएगा। सौम्या कल ठीक से तैयार हो जाना। ये सुनते ही सौम्या रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपनी माँ की तस्वीर को पकड़ कर कहती है, माँ मैं तो गलत साबित हो ही गई, पिताजी के लिए भी मैं एक बोझ हूँ, मुझे तो लगता था पिताजी मुझे प्यार करते हैं, पर नहीं, वो तो मुझसे रिहा होना चाहते हैं। सौतेली माँ ऐसी होती है, जानती हूँ, पर सौतेली माँ के आने से पिता भी सौतेला कब बन जाता है ये वक्त बता ही देता है। माँ मुझे आपकी बहुत याद आ रही है, माँ यहाँ भी मुझे किसी का प्यार नहीं मिला, मुझे लगता है ससुराल वाले भी ऐसे ही होंगे, कोई प्यार नहीं करेगा मुझे। तभी सौम्या की माँ रेखा आती है और उसके सर पर हाथ रखकर कहती है, बेटा रो मत, तुझे बहुत अच्छा ससुराल मिलेगा, प्यार करने वाला तेरे कदम पड़ते ही उस घर की स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी कि वह सब लोग तुझसे प्यार करेंगे, मैं तुझे जादुई कदम का आशीर्वाद देती हूँ। माँ आपको अब भी मेरी फिक्र है? ये सुनते ही उसकी माँ की आत्मा गायब हो जाती है। अगले दिन वह अपनी माँ की साड़ी पहनकर लड़के के सामने जाती है, तभी लड़के के माता पिता सुरेश कांता कहते हैं,
आपकी बेटी तो बहुत ही अच्छी है। हाँ, चेहरे से तो इसकी सादगी झलकती है। मुझे तो सौम्या बहू के रूप में बहुत पसंद है। अब जल्दी से चटमंगनी पट ब्याह कर दीजिए। अजी, वो सब तो ठीक है, पर मुहूर्त नाम की भी चीज होती है, इसलिए हम तो पंडित जी से मुहूर्त देखकर ही शादी करवाएंगे। जैसी आपकी इच्छा। बहू, ये लो तुम्हारा शगुन। ऐसा कहकर कांता अपनी बहू को शगुन चढ़ा देती है और 2000 का नोट उसके सर से घुमाकर हाथ में थमा देती है। तभी पैसे देखकर कविता उसे धीरे से कहती है, ए सौम्या की बच्ची, ला ये पैसे मुझे दे दे। आंखें क्या फाड़ के क्या देख रही है? तभी आसानी से कविता उसके हाथ से पैसे छीन कर अपने पास रख लेती है और राहुल कहता है, माँ, क्या हम अभी अंगूठी पहनाने की रस्म कर सकते हैं? हाँ बेटा, पर मैं अंगूठी तो लेकर आई नहीं हूँ। माँ, मैं लाया हूँ दोनों की, अंकल इजाजत है? हाँ हाँ बिल्कुल, इसमें पूछने वाली क्या बात है। राहुल के इतना कहते ही वह एक दूसरे को अंगूठी पहनाने की रस्म पूरी करते हैं, जिसके बाद वह अपने घर वापस आ जाते हैं और राहुल अपने छोटे भाई विनीत को परेशान देखकर कहता है, क्या हुआ, अभी तक तुझे इस प्रोजेक्ट का हेड नहीं बनाया? कहाँ भैया। तभी विनीत के बॉस का फोन आता है और वह कहता है, सच में सर, कल से ही। हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल ऑन टाइम आऊंगा, मुझे मंजूर है। अरे क्या बात है, अभी तो इतना गम में डूबा हुआ था और अचानक से खुश कैसे हुआ? अरे भैया क्या बताऊं, मुझे प्रोजेक्ट का हेड भी बना दिया और मेरी पोस्ट भी बढ़ा दी। 3 महीने से ये हो नहीं रहा था, अब हो गया। सच? ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। तभी विनीत घर में सबको यह खुशखबरी देता है, जिसके बाद सब खुशी से झूमते हैं। वहीं अगले दिन कांता की सुमन बेटी का फोन आता है और कहती है, माँ, मैं आपको एक बहुत अच्छी खबर देना चाहती हूँ। हाँ बेटा बोल। आप जानती है ना हर्ष का, मैं 1 साल से इंटरनेशनल स्कूल में एडमिशन कराने के लिए चक्कर काट रही थी, पर कुछ हुआ नहीं। और 5 मिनट पहले ही उसका एडमिशन उससे भी ज्यादा बड़े अच्छे स्कूल में हुआ है। पता नहीं अचानक से चमत्कार कैसे हो गया। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है, चलो अच्छा है। शाम को कांता अपनी बड़ी बहू वैशाली के साथ खाना बना रही थी, तभी दरवाजे पर डाकिया आता है और वैशाली उसे लेटर लेकर जब पढ़ती है तो खुशी से कहती है, ओ माय गॉड, हाउ इट इज पॉसिबल। माँ जी जल्दी आइए, मुझे आपको कुछ बताना है। अरे क्या हुआ, क्यों पूरे घर को सर पर उठा लिया तूने? माँ जी, मैं डॉक्टर बन गई हूँ। देखिए, मेडिकल इंस्टीट्यूट से मेरा रिजल्ट आ चुका है, अब से मैं डॉक्टर वैशाली शर्मा कहलाऊंगी। मुझे तो लगा था मैं पास ही नहीं हो पाऊंगी, बट हो गया। ये तो गजब ही हो गया। जब से कल राहुल का रिश्ता सौम्या से हुआ है, तब से घर में खुशियों की पोटली एक के बाद एक खुलती ही जा रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है माँ जी, मैं तो कहती हूँ जल्दी से शादी कर दीजिए देवर जी की। सही बोला तूने, बस तेरे पापा जी भी ठीक हो जाते तो अच्छा होता। वह अंदर से परेशान है पर दिखाते बिल्कुल भी नहीं है, कहीं भी इलाज नहीं हो रहा, मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, पापा की दिल के छेद का ऑपरेशन भी हो जाएगा, मैं बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगी, अब डॉक्टर जो बन गई हूँ। हाँ बेटा। कुछ दिनों बाद घर में राहुल और सौम्या की शादी की रौनक होती है और देखते ही देखते दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है। तभी कांता उसका गृह प्रवेश करती है। बहू, वैसे तो सारी जिम्मेदारी वैशाली ने संभाली थी, उम्मीद है तुम दोनों देवरानी जेठानी अच्छे से इस घर को मिलकर संभालोगी। माँ जी आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी बातों पर खरी उतरूंगी। 2 दिन बीत जाते हैं। सौम्या अच्छे से अपने ससुराल वालों का ख्याल रखी रही थी कि घर पर एक डॉक्टर आता है जो कहता है, अरे सुरेश जी, मैं आपको एक खुशखबरी देने आया हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे केस में कभी चमत्कार होता हुआ नहीं देखा, सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। ऐसी क्या बात होगी डॉक्टर, कोई घबराने वाली बात है? क्या बात है डॉक्टर साहब, बताइए ना। अरे सुरेश जी की जो मेडिकल कंडीशन थी उसका सलूशन मिल गया है, एक डॉक्टर मिले हैं और उन्होंने कहा है कि सर्जरी से वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। मैं तो नाउम्मीद हो गया था, लेकिन अचानक से सब अच्छा हो गया। जानती हूँ, ये सब मेरी सौम्या बहू की वजह से हो रहा है। जब से उसका रिश्ता राहुल से जुड़ा है तो घर में विनीत, सुमन, वैशाली सबके साथ इतना अच्छा हुआ है, और बहू के आते ही इसके पापा का इतना बड़ा केस ठीक हो गया। सच में तू तो हमारे लिए लक्ष्मी साबित हुई है। माँ जी ये सब मेरी माँ का आशीर्वाद है जो हमेशा मेरे साथ रहती हैं।
इसी के चलते सौम्या से सब बहुत प्यार करते हैं। कुछ समय बाद सुरेश की हार्ट सर्जरी अच्छे से हो जाती है, फिर सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। गांव में तीन मॉडर्न जेठानी, दो संस्कारी देवरानी। बहादुरगढ़ गांव में रहने वाली प्रेमा देवी के 5 बेटे थे, जिन्हें प्रेमा देवी ने गांव में 12वीं तक पढ़ाने के बाद कॉलेज की पढ़ाई के लिए शहर भेजा था। एक दिन कांची प्रेमा से कहती है, और बताओ प्रेमा, कब आ रहे हैं तुम्हारे पांचों पांडव शहर से? बस बीते दिनों तार भेजा था, अब की बरस पांचों की पढ़ाई पूरी हो जाएगी, जिसके बाद सरकारी सर्विस में मेरे बेटों की बहाली हो जाएगी, तो घर संसार भी बस जाएगा। प्रेमा कांची से अपने मन की अभिलाषा बता ही रही थी कि अचानक उसके 3 बेटे रोहित, अंशुल और राजवीर 3 लड़कियों के साथ चले आते हैं। उनके तंग शॉर्ट कपड़े, हाई हील्स, चीख चीख कर उनके शहरी होने का बयान दे रहा था। पूरे गांव की नजर उन्हीं पर गड़ी हुई थी। अरे ऋतिक, अंशुल, राजवीर, तुम तीनों यूं अचानक? गांव, ना कोई चिट्ठी ना कोई संदेश, और ये अंग्रेजी मेम साहब कौन है? अपनी माँ प्रेमा की पूछताछ देखकर राजवीर के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं और वह झिझकते हुए कहता है, वो माँ, ये तीनों आपकी बहू हैं। ये सुनकर प्रेमा का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह माथे पर हाथ धर कर बोलती है, वाह रे मेरी नकारी औलाद, क्या खूब दिन दिखाया। इन मॉडर्न लड़कियों से शादी करके अपनी माँ के सपने को मिट्टी में मिला दिया, सुध-बुध बिसरा दिया था क्या, जो इन अदनंगी लड़कियों को लुगाई बनाने से पहले एक बार भी जात बिरादरी के बारे में नहीं सोचा। ओ गॉड, सासू मॉम, अब बंद भी कीजिए ये सो कॉल्ड सास वाला मेलो ड्रामा। इन देसे लोगों का यही ड्रामा है, भावनाओं में बहते रहते हैं, क्या खराबी हमारे कपड़ों में, थोड़े छोटे ही तो हैं। अरे खराबी शब्द ही फीका है, तुम तीनों के तंग कपड़े के आगे ऐसा लग रहा है जैसे फैशन के आड़ में बचिया का फ्रॉक लटका लिया हो। ये सुनकर तीनों शहरी बहुएं गुस्से में तिलमिलाकर कहती हैं, हे यू ओल्ड लेडी, तुम होती कौन हो हमारे फट्टे में टांग अड़ाने वाली, जिसकी लास्ट, अगर और बेइज्जती नहीं करनी तो पत्ती गली पकड़ लो। प्रेमा की तीनों शहरी मॉडर्न बहुओं का बिगड़ैल बोलबाला सुनकर कांची वहां से चली जाती है, मगर उस रात प्रेमा की आंखों में नींद जैसे दुश्वार हो गई थी। आज पूरे गांव घर में मेरी ही शहरी मॉडर्न बहुओं की चर्चा चल रही होगी, इससे पहले कि मेरे 2 बेटे मोहित और युग्मन मौजी की तरह मॉडर्न बहू ले आए, समय रहते मुझे उनकी शादी कर देनी चाहिए। इस तरह प्रेमा देवी अपने बचे हुए दोनों बेटों की शादी भारती और देविका नाम की 2 सर्वगुण संपन्न संस्कारी बहुओं से करती थी। जैसे ही दोनों संस्कारी देवरानी ससुराल में मॉडर्न जेठानियों को देखती हैं, तो उनके चेहरे पर शिकंज उभर आती है। तभी स्टेला कहती है, एना मीशा, जरा देखो तो हमारी सो कॉल्ड संस्कारी देसी देवरानी हमको कैसे घूर घूर कर देख रही हैं। कोई बात नहीं, देखने दो, वैसे इनका ये सलमा सितारा वाला लल्लन टॉप लहंगे की तड़कीली भड़कीली चमक मेरी आंखों में चुभ रही है। लेट्स गो लेडीज। तीनों मॉडर्न जेठानियां अपने फैशन का जलवा दिखाकर इतराती हुई कमरे में चली जाती हैं और प्रेमा कहती है, बहू, अपनी शहरी मॉडर्न जेठानी की असरफिरी दशा देखकर तुम समझ गई होगी, जब से आई हैं पूरे गांव में थू थू हो रही है। मेरे लिए तो ये देखना मर मिटने जैसा हो गया है, इसलिए मैंने तुम्हें बहू बनाया था कि संस्कार की संगति करके मेरी मॉडर्न बहुओं का मन फिराव हो सके। माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए, हमारी मॉडर्न जेठानी को बदलने की जिम्मेदारी हम पर छोड़ दीजिए। दोनों संस्कारी देवरानी अपनी शहरी मॉडर्न जेठानियों को बदलने के मिशन में लग जाती हैं। अगली सुबह, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आहा, पता नहीं कौन गवार फटे ढोल की तरह हल्ला मचा रहा है सुबह सुबह, अब तो देखना ही पड़ेगा। तीनों मॉडर्न जेठानी गुस्से से आग बबूला होकर कमरे से बाहर आकर कुड़कुड़ाती हुई कहती हैं, बंद करो ये घंटा बजाना सुबह सुबह, सर दर्द कर दिया। ओहो जेठानी जी, भगवान के मंदिर में कुड़कुड़ाना अच्छी बात नहीं। बंद करो ये बकवास, तुम दोनों के पास कोई दूसरा काम धंधा नहीं है क्या, जो इस घंटी को बजा बजा कर हमारी बैंड बजा रही हो, गवार कहीं की। जेठानी जी, आपके लिए भले ही ये गवार पनती है, मगर हमारी भाषा में इसे संस्कार कहते हैं। अरे देविका, शायद इन्हें संस्कारों से भेंट नहीं हुई होगी, शहरी माहौल में जो पली बड़ी है हमारी मॉडर्न जेठानी, तभी तीनों की तीनों खुद को 30 मार खां समझती है। बंद करो अपनी जुबान, तुम 2 कौड़ी की देवरानी खुद को समझती क्या हो, 6 मीटर की साड़ी पहनने से संस्कार साबित नहीं हो जाते, न कपड़े पहनने ओढ़ने की ढंग है न मेकअप का, बड़ी आई छत्तीसगढ़ों वाली संस्कारी बहू बनने। हाँ। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, दोनों देवरानी अपनी जेठानी को संस्कार के सांचे में ढलने की अनगिनत कोशिश करती हैं, मगर शहरी मॉडर्न जेठानियों के अतरंगी हरकतों में कोई भी इजाफा नहीं आता। एक रात की बात है, माँ जी
जिठानी जी, खाना बन गया है, सभी आ जाइए। अरे वाह बहू, आज तूने मेरी पसंद का खाना बनाकर दिल खुश कर दिया। सचमुच आरती और देविका, माँ बिल्कुल सच कहती है, तुम दोनों में संस्कारी बहू के 36 गुण कूट कूट कर भरे। संस्कारी बहू के साथ गुणवान गृहिणी भी हो। अपनी देवरानी के संस्कारों की बखान सुनकर मॉडर्न जल कोकड़ी जेठानी नाक चढ़ाकर चिल्लाती हुई कहती है, राजवीर, हमारी देसी देवरानी के खाने में ऐसा भी कौन सा खजाना नजर आया तुम्हें जो रमता जोगी बने बैठे हो? अरे ये भी कोई खाना है? हमें ये घास फूस खाने की आदत नहीं है। जाओ जाकर हमारे लिए फटाफट व्हाइट सॉस पास्ता बना कर लाओ। ये खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा जेठानी जी, क्योंकि ये हमने खास आप तीनों के लिए बनाया है। क्यों देहाती देवरानी, अब तुम हमें बताओगी कि हमें क्या खाना चाहिए? हे भगवान, जेठानी जी जरा अपनी अंग्रेजी जुबान पर ताला लगाकर अपने चरमराए बॉडी पर नजर दौड़ाइए। तीनों कैसे सूख कर काटा हो गई हैं। थोड़ा तो अपने सूखे शरीर पर तरस खाइए, वरना एक दिन हवा का तेज झोंका चल गया ना तो आप तीनों को उड़ा ले जाएगा। ये सुनकर ससुराल के सभी सदस्य जोर जोर से हंसने लगते हैं। दो कौड़ी की देवरानी, हमारा मजाक बनाती हो? तुम जैसे जाहिलों को क्या पता हमारे शहर में पतलापन नहीं बल्कि बॉडी मेंटेनेंस कहते हैं। हाँ, स्टूपिड सो कॉल्ड संस्कारी बहुएं। तीनों मॉडर्न जेठानी अपने तेवर दिखाकर कमरे में चली जाती हैं। ऐसे ही एक शाम अपनी जेठानियों को बाहर आता देख देविका बोलती है, जेठानी जी अब तीनों कहीं जा रही हैं क्या? हाँ, घर में बैठे बैठे बोर हो गई है इसलिए बाजार जा रहे हैं, क्योंकि हमॉल तो है नहीं जहाँ हम मॉडर्न जेठानी जा सके। तो क्या आप लोग इन कपड़ों में जाएंगी? सो वॉट, हम इन कपड़ों में कंफर्टेबल हैं। और दूसरी बात, हमें तुम जैसी संस्कारी देवरानी जैसा बनने में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है। 6 मीटर की साड़ी और 36 गुड़ तुम्हें मुबारक हो। लेट्स गो लेडीज। तीनों मॉडर्न जेठानी मिनी स्कर्ट और हाई हील्स पहनकर बाजार निकल जाती हैं। पूरे बाजार में नजर उन पर ही गड़ी होती है, तभी अचानक तेज रफ्तार में आ रही एक कार में स्टेला के स्कर्ट का हिस्सा फंस कर फट जाता है। डैम मेरी ड्रेस, एना मीशो मुझे कवर करो। दोनों जेठानी उसे कवर कर लेती हैं। तभी वहां से गुजर रही गुंजन नाम की एक लड़की अपना दुपट्टा उसे देकर बोलती है, ये लो ये दुपट्टा। थैंक यू सो मच। मेम साहब, ये तो हर दिन का हो गया है। आप जैसे शहरी लोगों के लिए तंग छोटे कपड़े फैशन बन गया, मगर सूट साड़ी हम भारतीय महिलाओं का कल्चर है। और जानती हैं, सूट में दुपट्टा इसीलिए दिया जाता है कि अगर कभी सूट की सिलाई उभर जाए तो हमें भरे समाज में रुसवाना होना पड़े। और 6 मीटर की साड़ी में ही एक संस्कारी औरत की असली छवि उभरती है। इस तरह वह अनजान लड़की मॉडर्न जेठानियों को संस्कार के मायने सिखा जाती है। उस पल उनकी आंखों में पछतावे के आंसू इठला रहे थे। अगर हमने पहले ही अपनी देवरानी की बात मानी होती तो आज ना हम जेठानी की जगह साई होती, ना ये दिन देखना पड़ता। इसके बाद तीनों जेठानी घर आकर अपनी देवरानी से माफी मांगती हैं, जिसे देखकर देविका कहती है, कोई बात नहीं जेठानी जी, जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाइए। बस आप तीनों ने संस्कार का असल सबब सीख लिया, यही बहुत है। उस दिन के बाद से तीनों शहरी मॉडर्न जेठानी अपनी संस्कारी देवरानी के तौर तरीके सीखकर उनके साथ घुल मिल कर रहने लगती हैं।